तो दोस्तों ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है, ये ओप्पो का मोबाइल फ़ोन है, ओप्पो 71। इस 71 के अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि मोबाइल फ़ोन तो चालू है लेकिन इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और पासवर्ड लगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है इसका वॉल्यूम बटन का पत्ता भी ख़राब है। तो आज जो हम आपको जो इसमें स्टेप समझाने हैं, जो स्टेप समझाने का मेरा मतलब ये है कि ये वॉल्यूम बटन का अगर पत्ता ख़राब है तो आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आया है ये ओप्पो का फ़ोन है। कौन सा फ़ोन है? ओप्पो का। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? पासवर्ड लॉक लगा हुआ। अगर आप देखेंगे तो इसमें पासवर्ड मांग रहा है, ये लॉक मांग रहा है। इसका ब्राइटनेस फ़िलहाल कम है तो आप लोग देखेंगे तो इसमें लॉक बन के आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड को खोलेंगे। क्या खोलेंगे? पासवर्ड खोलेंगे। तो पासवर्ड खोलने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ता है हमको, मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करने पर सबसे पहली बात हम इसकी बैटरी को बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें जो मैं एक सबसे बड़ी ख़ास बात है कि इसमें जो हमारा फ़ोन है इसमें वॉल्यूम बटन का पत्ता ख़राब है, तो प्लस माइनस से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो जो सारे नए लोग होते हैं तो उनको ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पत्ते को खोल देते हैं। पत्ता खोलने के बाद आप कनेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, इसका यही तरीका एक सीखने वाली बात है। आप बैटरी लेंगे, बैटरी लेने के बाद क्या करेंगे, इस बैटरी को उल्टा करके इसमें रखेंगे, बैटरी को कनेक्ट करा देंगे। बैटरी कनेक्ट कराने के बाद अब इसकी वॉल्यूम बटन की पिनें होती हैं, हमको वॉल्यूम बटन को शॉर्ट करके डाटा केबल लगाना होता है। यही काम हम लोग खोल के कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? खोल के कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, डाटा केबल लेंगे, डाटा केबल को पहले कंप्यूटर से बाहर निकाल लेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन में इसमें लगा देंगे। उसके बाद जब मोबाइल फ़ोन में लगा देंगे तो हमारा मोबाइल फ़ोन पोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? पोर्ट बनाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा कैसे पोर्ट बनाता है। अच्छा, पोर्ट इसमें बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, तुमको इसकी तीनों पिनों को आपस में टच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हाथ रखिए, उंगली रखिए ताकि हिलना नहीं चाहिए। तीनों पिनों को ऐसे टच करेंगे। टच कर दिया मतलब तीनों वॉल्यूम प्लस माइनस तीनों बटन शॉर्ट हो गई। अब डाटा केबल को क्या करना है, तुमको लगा देना, इंसर्ट करना। जैसे कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे तो ऐसे पोर्ट बन के आएगा, तो बस हटा दीजिए। देखिए पोर्ट बन के आया कि नहीं आया, ये पोर्ट बन के आने का मतलब है आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो गया। आप छोड़ दीजिए। अब आप क्या करिए, इसे मिनिमाइज़ करिए। अपने टूल में गए, रीड एंड टूल में गए, ओप्पो का मॉडल है तो पहले क्या लेना बनता है अपना, ओप्पो, वो दबाएँगे। तिरछा करके बनाएंगे वीडियो तो पूरा आएगा लैंडस्केप में। जैसे ओप्पो पे क्लिक करेंगे तो ओप्पो आ जाएगा। आ गया ना ओप्पो? जी सर। ओप्पो, ओप्पो के बाद कौन सा मॉडल है? ओप्पो 71 है जी। तो ओप्पो 71 ले लिया। ओके, ये कह रहा भाई हम सिर्फ फॉर्मेट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? फॉर्मेट। तो कहते कोई दिक्कत नहीं, तुम फॉर्मेट कर दो, FRP हम लोग निकाल लेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे, यस। जैसे आप इसको यस करेंगे तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा, इसको फॉर्मेटिंग मोड में ले जाएगा। ये देखिए मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो गया, क्वालकॉम 13 फ़ोन कनेक्ट हो गया, डन। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग आपकी स्टार्ट हो गई। फॉर्मेट यूजर डाटा, देखिए फॉर्मेट यूजर डाटा डन, डिसकनेक्ट मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन आपका फॉर्मेट हो चुका है। आप डाटा केबल हटाइए। डाटा केबल हटाने के बाद फिर से आप देखेंगे, बैटरी हटाएंगे। बैटरी हटाने के बाद फिर से इसको कनेक्ट करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम हमारे सेट में इसलिए बहुत आती है क्योंकि वॉल्यूम बटनें ख़राब हो जाती हैं। वॉल्यूम बटन ख़राब हो जाती है तो हम लोगों को रिपेयर करना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। अब देखिए हम लोग बैटरी लगाएंगे, अब देखते हैं रिजल्ट हमारा क्या है। ऐसे बैटरी लगाने के बाद फिर से मोबाइल फ़ोन को चालू करेंगे। जब आपका मोबाइल फ़ोन चालू हो जाएगा तो इसमें ओप्पो लिख के आया। अब पहली बार जब मोबाइल फ़ोन चालू हो जाता है तो इसको फॉर्मेट होने के बाद थोड़ा समय लगता है। अगर ये फॉर्मेट हो गया होगा तो, अगर फॉर्मेट हो गया तो मतलब लॉक खुल गया। लेकिन लॉक खुलने के बाद इसमें FRP लगेगा। क्या लगेगा? 100% FRP लगेगा। लेकिन FRP को हटाने के लिए ओप्पो रियलमी के लिए मैंने आपको एक कोड बता रखा है, *813 है। जैसे इस कोड को डायल करेंगे क्लियर, रीसेट फ़ोन।
जैसे हम इसमें मोबाइल फ़ोन में कोड डाल करेंगे *813#, तो ये क्या करेगा, मोबाइल फ़ोन के FRP को छूम अंतर कर देगा, गायब कर देगा। तो ये मेरा वीडियो जो बनाने का सबसे बड़ा मतलब ये कि हमने आपको इसलिए बना कर दिया हुआ है ताकि आप मोबाइल फ़ोन को रीसेट कैसे करेंगे या रीसेट करने का तरीका क्या है। उस मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने के लिए आप उसके प्लस माइनस तीनों बटनों को एक साथ प्रेस करेंगे। जैसे तीनों बटनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन पोर्ट बनाएगा। लेकिन इसका वॉल्यूम प्लस माइनस का पत्ता ख़राब हो गया था। पत्ता ख़राब होने के बोले हम लोगों ने खोल के इसको किया है, कैसे किया है, खोल करके चिमटी शॉर्ट करके। ये वीडियो सारी हम बार बार बना करके इसलिए देते हैं ताकि ये बिल्कुल रियल केस स्टडी है। मतलब ऐसे मोबाइल फ़ोन हमारे पास ठीक होने के लिए आते हैं। जैसे आप लोग जब कल को अपनी दुकान पर बैठ के काम करोगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास बिल्कुल हलवा आइटम आ जाए, खा लो। मतलब उसमें कुछ ना कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें वॉल्यूम की प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास कोई कस्टमर आया कहता लॉक खोल के दे दो, अब तुम क्या कहोगे वॉल्यूम पता नहीं है तो लॉक नहीं खुलेगा। तो आप ऐसे खोल करके भी उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर रिपेयर करना इसलिए आसान है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो रिपेयर करता है कंप्यूटर करता है। बाकी चीज़ों में तो चलिए हैंड स्किल होता है। क्या होता है? हैंड स्किल होता है। हैंड स्किल का मतलब रहता है कि आपके हाथ में सफाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाथ में सफाई होनी चाहिए। सदू से कैप्चर करिए ताकि पूरा आएगा इसे। बाकी सब चीज़ों में क्या रहता है? हैंड स्किल होता है। अगर हैंड स्किल आपका अच्छा है, हाथ साफ़ है, तभी आप IC को निकाल कर लगा सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सब चीज़ों में ये रहता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर में क्या रहता है? इसमें कोई प्रैक्टिकल का इशू नहीं है, बस इसमें आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको इसमें कनेक्ट कर देते हैं, ईटेक @1123। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो वीडियो बनाते हैं तो उसमें वाईफाई का भी पासवर्ड को एडिट कर देते हैं। अब ऐसे वाईफाई कौन कनेक्ट कर लेता होगा? अगर किसी को पासवर्ड पता चल जाएगा तो क्या दूर का बैठा बंदा कनेक्ट कर लेगा? नहीं कनेक्ट कर लेगा। मान लो तुम वहाँ रहने वाले हो, तुमको वाईफाई का मेरा पासवर्ड पता चल गया, इसलिए ऐड कर लेते हैं सर, क्योंकि सर उनका पर्सनल पासवर्ड होता होगा ना, वो हर चीज़ में वही होता होगा। जबरदस्त, हर चीज़ में वही होता तो भी कैसे पता चल जाएगा? मान लो तुमको पासवर्ड पता है लेकिन मेरा बैंक खाता थोड़ी ना पता है। देखिए खुल गया, इसमें FRP लगा हुआ है फिलहाल। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए FRP कैसे गायब करेंगे, बिल्कुल छू मंतर। इमरजेंसी में गए, इसमें टाइप किया *813#, कॉलिंग कर दिया, बस सेटअप फ़ोन कर दिया, छू मंतर। FRP क्या हो गई? गायब। तो ओप्पो रियल में FRP में है ही नहीं, सिर्फ एक कोड डालो FRP गायब। तो आज दोस्तों हम लोगों ने एक ओप्पो का 71 मोबाइल फ़ोन आता है, उस ओप्पो 71 मोबाइल फ़ोन को हम लोगों ने कैसे फॉर्मेट किया है, वॉल्यूम बटन ख़राब हो गया तो, वॉल्यूम बटन ख़राब हो गया, फ़ोन पोर्ट नहीं बनाएगा, तो हमारा फ़ोन कैसे कनेक्ट हुआ, कैसे हमने FRP बाईपास किया, ये हम लोगों ने पूरा तरीका सीखा। ऐसे केस स्टडी आपके पास आएंगे जब दुकान पर बैठ के काम करोगे ना, तो ऐसे मोबाइल फ़ोन आएंगे, ठीक समझे। तो सबसे पहले क्या किया, फ़ोन कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद फिर क्या किया, पोर्ट बनाया, पोर्ट बनाने के बाद फिर सिस्टम से उसको फॉर्मेट कर दिया। अब सिस्टम से फॉर्मेट करने के बाद ये सिस्टम खुद ही बोलता है कि भाई हम फॉर्मेट कर पाएंगे लेकिन FRP नहीं हटा पाएंगे, तो कहते तुमको हटाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसके लिए कोड बना हुआ है। क्योंकि कंप्यूटर को भी ये बात पता है कि जब ये कोड बना है उस कोड से FRP हट जाता है तो हमारा मेहनत करने का फ़ायदा क्या है ना। तो इसीलिए क्या है ये दोस्तों हम लोगों ने इसका FRP हटाया। तो इस वीडियो को जितने भी सारे लोग हैं, तीनों एक साथ बटन होती है, उसमें बिना बटन कैसे काम होगा? हाँ, जिसमें तीनों एक साथ बटन होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पावर बटन को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों को शॉर्ट कर दीजिए। समझ में, जैसे इसमें तीन पिन थी, हाँ तीनों पिन समझ में आ गई, वॉल्यूम की है तो उसमें पावर बटन कैसे समझ में आ गई? उसमें पावर बटन ऐसे समझ में आएगी कि तुमको जिस पिन में चेक करोगे, चार पिन होंगे, तीन पिन होंगे, जितने पिन होंगे तो उसमें से एक पिन पे वोल्टेज आएगा, जो वोल्टेज आएगा वो पावर होगी, उसको छोड़ दी। बिल्कुल, बैटरी लगाने के बाद जिस पिन पे वोल्टेज आएगा वही पावर होगी, बाकी कोई पिन पावर नहीं होगा। छोड़ने के बाद बाकी पिन स्टार्ट करके पोर्ट बन जाएगा, पोर्ट बन जाएगा। अब पोर्ट बन जाएगा फिर आपका काम कंप्यूटर करेगा, ठीक। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू दोस्तों।